बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुछ भाइयों ने रिक्वेस्ट की थी कि एक वीडियो डिपॉजिट एंड विड्रॉल पर बना दें ताकि सबको समझ आ जाए कि कैसे आप ईडीसी वॉलेट से विड्रॉ करके एक्सचेंज में ले जा सकते हैं और कैसे एक्सचेंज से विड्रॉ करके अपने ईडीसी वॉलेट में डिपॉजिट कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है। पहले तो ये बात जहन नशी कर लें कि अभी ई डी सी कॉइन सिर्फ पी टू पी क्रोकोबिट में ही विड्रॉ हो सकेंगे, क्योंकि किसी एक्सचेंज में ई डी सी कॉइन ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल नहीं है। लेकिन जल्दी ई डी सी कॉइन भी कुछ एक्सचेंजेस में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होगा। मेंबर्स अपने वॉलेट से किसी भी दूसरे ई डी सी ब्लॉकचेन वॉलेट में ई डी सी कॉइन सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं। लीजिंग के लिए भी हमें ई डी सी कॉइन की ही ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ई डी सी कॉइन या ई डी सी एस टी अब इंटरनल कॉइन है, इंटरनली इसे ही यूज़ होना होगा जब तक कोई और न्यूज़ नहीं आ जाती। सबसे पहले आप क्रोकोबिट पर जाकर अकाउंट बना लें। अगर आप acrofund.com पर वेरीफाइड मेंबर हैं, यानी 3x3 की वेरिफिकेशन पूरी हुई है, तो उसी ईमेल से क्रोकोबिट पर आईडी बनाएं, आप ऑलरेडी वेरीफाइड होंगे। या दूसरा तरीका फ्रेंड्स वेरिफिकेशन का है, जिसमें दो क्रोकोबिट वेरीफाइड मेंबर्स आपको वेरीफाई करवा सकते हैं। जैसे निकाह में दो गवाह की ज़रूरत होती है, वैसे ही यहाँ पर दो लोगों की गवाही कि वो आपको जानते हैं, आपको वेरीफाई करवा सकते हैं। आपको अपने अकाउंट से एक कोड जनरेट करके अपने वेरीफाइड दोस्त को सेंड करना होगा और वो यहाँ पर उसे एंटर करके सेंड कर देगा। जैसे ही दो दोस्त इस तरह करेंगे तो आप वेरीफाइड हो जाएंगे। ज्वाइनिंग के लिए क्रोकोबिट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एक वेरिफिकेशन तो मेरे व्यूवर्स के लिए मैं कर दूंगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करके शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके एक घंटा बजा दें, क्योंकि अगली वीडियोस ईडीसी 20 कन्वर्जन विड्रॉल एंड डिपॉजिट पर आने वाली है। इसके बाद आप क्रोकोबिट वॉलेट में जाएंगे, वहां पर जिस कॉइन की ट्रेडिंग होती है वो मौजूद है। यहां पर हम ईडीसी और ईडीसी 20 टोकन दोनों डिपॉजिट कर सकते हैं। ईडीसी वाले ईडीसी के लिए डिपॉजिट पर क्लिक करें, आपको वॉलेट नेम और मेमो कोड मिल जाएगा। इसे बारी बारी कॉपी करें और अपने वॉलेट में जाएं, सेंड प्रेस करें। वॉलेट नेम में पी टू पी हॉट वॉलेट, जो कि वॉलेट एड्रेस है क्रोकोबिट का, और मेमो में दिया हुआ कोड पेस्ट करके जितने ईडीसी सेंड करने हैं कर दें। 5 मिनट के अंदर क्रोकोबिट में डिपॉजिट हो जाएंगे। न्यू ऑर्डर पर क्लिक करें, अपना ऑर्डर प्लेस करें। अगर आपको बाय सेल करना है तो वो सिलेक्ट करें, अगर किसी और क्रिप्टो से एक्सचेंज करना है तो एक्सचेंज सिलेक्ट करें। अगर आप बाय या सेल सिलेक्ट करते हैं तो पेमेंट मेथड में आपको बैंक, पेईर, पेपैल और अलीपे जैसे पेमेंट प्रोसेसर मिलेंगे, और अगर आप एक्सचेंज सिलेक्ट करते हैं तो पेमेंट मेथड में ऑटोमेटिकली क्रिप्टो लिखा आ जाएगा। लोकेशन में ऑल सिलेक्ट करें, क्योंकि क्रिप्टो में पेमेंट कहीं से भी हो जाएगी। जो करेंसी आप दे रहे हैं यानी ईडीसी, वो सिलेक्ट करें, और जो आप बाय करना चाह रहे हैं, चाहे ईडीसी 20 टोकन या फिर बीटीसी, वो आई बाय में सिलेक्ट करें। पेमेंट विंडो का टाइम 1 से 8 घंटे तक है, 240 मिनट 3 घंटे बहुत है पेमेंट के लिए। लिमिट में आप कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन्स की ट्रेड सेट कर सकते हैं। जैसे आपने 20,000 डिपॉजिट किए हैं तो मिनिमम 5,000 और मैक्सिमम 19,920 कर दें, क्योंकि 80 ईडीसी फीस क्रोकोबिट चार्ज करता है ट्रांजैक्शन पर। देन क्लिक पोस्ट अ ट्रेड एंड वियोला, आपकी ट्रेड आप डैशबोर्ड में जाकर देख सकते हैं। एक बात और याद रखें कि ईडीसी की प्राइस 1 सेंट फिक्स है, इसीलिए आप प्राइस में छेड़छाड़ नहीं कर सकते, जबकि दूसरे कॉइन्स या टोकन जैसे ईडीसी 20 में आप अपनी मर्जी की फिक्स प्राइस भी रख सकते हैं और मार्केट प्राइस भी सेट कर सकते हैं। इसी तरह से जब आपको यहां से विड्रॉ करके अपने ईडीसी वॉलेट में ले जाना हो तो फिर आप वॉलेट में क्लिक करके विड्रॉ में जाएंगे। मिनिमम विड्रॉल चेक कर लें, यहां 1000 ईडीसी हैं। यहाँ पर आपने अमाउंट लिखनी है और अपना वॉलेट एड्रेस ईडीसी ब्लॉकचेन वाला डालकर विड्रॉ फंड्स पर क्लिक कर देना है। उम्मीद है अब कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। अगर फिर भी कोई चीज़ रह गई हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।